सोलन की युवाओं में चुनावों के प्रति काफी रुझान देखने को मिला। कई युवाओं ने पहली बार वोटिंग की। वोटिंग करने के बाद उन्होंने खुशी जताई और कहा कि आज वे बेहद खुश हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर उन्होंने अपना दायित्व निभाया। उन्होंने कहा कि उनके एक वोट से देश का पसंदीदा नेता चुनकर आएगा जो देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। वे चाहती हैं कि जिस तरह से उन्होंने वोट दिया है, सभी अपना वोट देकर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। आपको बता दें कि दोपहर तक सोलन में करीब 33% मतदान हुआ है। सभी वोटिंग मशीन सुचारू रूप से चल रही है। कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। मैं 18 साल की हूँ। आज मैंने अपना पहला वोट दिया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने एक सरकार चुनने में अपना योगदान दिया है। और मैं सभी उससे ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने मतदान का महत्व को समझें और सरकार को चुनने में अपना योगदान दें। मेरा नाम अद्वितराज सिंह ठाकुर है। मैं 18 वर्ष का हुआ हूँ और मेरा ये पहला वोट है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी डेमोक्रेसी में पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ और अपना खुद का नेता चुनने जा रहा हूँ। मेरा नाम मन्नत है। मेरी उम्र 19 वर्ष है और मैं पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना वोट देने जा रही हूँ। मेरा नाम श्रीदुला है। मेरी एज 19 ईयर्स है। आज मैंने अपना पहला वोट दिया। मेरी आप सबसे अपील है यूथ से कि आप सब अपना योगदान दें। भारत की डेमोक्रेसी के जो हमें राइट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी वोट दें ताकि आप अपना नेता चुन सके और भारत को एक अच्छा भविष्य प्रदान कर सके। मेरा नाम भानुप्रिया है और मैं 18 साल की हूँ। आज मैंने अपना पहला वोट दिया है और मैंने अपने मनपसंद प्रतिनिधि को वोट दिया है। आपको बता दें कि सोलन के युवाओं में चुनावों के प्रति काफी रुझान देखने को मिला। कई युवाओं ने पहली बार वोटिंग की। वोटिंग करने के बाद उन्होंने खुशी जताई और कहा कि आज वे बेहद खुश हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर उन्होंने अपना दायित्व निभाया। उन्होंने कहा कि उनके एक वोट से देश का पसंदीदा नेता चुनकर आएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।